भगत को सवाल लगा रहे हैं, अंजलि भगत जो है कहीं ना कहीं नहीं। कल तो आपको बता चुके हैं पहले भी कि कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा नहीं देखा, ये सब चीज एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी हैं, तो सब लोग मौजूद रहेंगे। और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग, और एक एक चीज के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम लोगों के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसको भी हम लोग रखेंगे कि अब तक इतनी बार हम लोगों ने जो चर्चा कर ली, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने मीटिंग की है, और हर मीटिंग में अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहें। तो आखिर उसकी क्या स्थिति, क्यों ऐसा हुआ है, और आप देख रहे हैं कितना ही डेंजरस चीज है, अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है, पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज है, इसके बारे में लोग जानिए। एक एक चीज के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं। और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएंगे फिर से ताकि लोगों को इसके लिए बिल्कुल कॉन्शस किया जाए, जागरूक किया जाए कि भाई देखिए इस पर सजग रहिए, सचेत रहिए, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो मुश्किल होगा, इसलिए सब लोगों को नजर रखनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने इसके लिए कमेटियां बना दी हैं, तो एक एक चीज की कल समीक्षा करने वाले कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ, एक एक चीज कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगेगा, हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे। और इस चीज को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज है। और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, लेकिन इन सब चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर एक्शन की भी जरूरत होती है। तो हर चीज को देखेंगे कि आखिर कौन लोग ज्यादा पकड़ाए, ये भी देखेंगे ना। जो पहले से हम लोगों ने पहले से ही बताया है कि भाई जो पहले ये सब का काम करता था तो आखिर आजकल कौन काम कर रहा है, तो हर चीज जो इतनी बार मीटिंग हुई है 16 से ही और जो भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें जितनी बातें कही गई है उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि एक एक बात के बारे में आप लोग पता करके और उसके आधार पर सारी चीजों को बताइए। तो कल तो करेंगे हम लोग, विस्तृत बात करेंगे और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ इसको लागू करने के लिए और ज्यादा हम लोग जो भी जरूरत है इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में एक एक चीज की जानकारी देना, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए अभियान चलाना, और जो गलत करता है उसके खिलाफ नियम के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्शन लेना, तो इन सब चीजों पर कल पूरी बात होगी। सर, इसमें आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की कमी हो रही है, बिकॉज आपके अलायंस पार्टनर भी इसमें त्रस्त आ रहे हैं ऑपोजिशन के अलावा। देखिए, जो आप एक बात बता दें, इसमें कोई कमी की बात है ही नहीं, बिल्कुल गलत बोलता है कोई, हम किसी पार्टी की और किसी नेता की बात हम नहीं कह रहे, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें कोई कमी नहीं है कि सर्टेन लोग भले ही इधर से उधर करें, और इसका जो अभियान जिस तरह से चलाया गया है और जो असर है और लोगों पर, आप जरा सा याद कर लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने जो 2006 में इसको शुरू किया और जो अप्रैल के 1 अप्रैल से लागू किया, तो उसमें हम क्या किए थे 2016 में, 2016 के 1 अप्रैल से लागू किए थे
और उसमें क्या कह दिया था, हमने कह दिया था कि सर्टेन कॉरपोरेशन में जो विदेशी शराब है उसकी अभी इजाजत रखेंगे। और उसका कितना विरोध हुआ था, कितना विरोध हुआ चारों तरफ, एक भी दुकान खोलने नहीं दिया। और उसका 4 तारीख को ही मीटिंग किया, चौथे दिन ही हमने, और 5वां दिन फिर इसके बारे में ऐलान कर दिया कि उसको भी लागू करेंगे। तो आप बताइए तो लोगों में कॉन्शसनेस कितना था। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। और इसके बारे में सर्टेन लोगों को खराब लगता है, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए क्योंकि शराबबंदी के लिए, और उस पर हम बिल्कुल गंभीर हैं, तो चंद लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए हैं, उन लोगों को बुरा लगता है जो इसके खिलाफ हैं, तो एक अलग बात है, अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन भाई हम लोग तो लोगों की बात को सुने हैं, महिलाओं की बात को सुने हैं, और महिलाओं के अलावे कितनी बड़ी संख्या में पुरुष लोग इसके साथ थे। तो इसलिए देखिए शराब के खिलाफ हैं ज्यादातर, और हम तो भाई बापू की बात मानते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी बात कही थी तो हम लोग उसको लागू किए हैं। और ऐसा नहीं है, चंद लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जिसको जो मन में आवे बोलते हैं। और हम देखे हैं कि कोई भी आदमी को हमने देखा ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया, इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सहमति से हुआ है, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए, शराब पियोगे तो मरोगे, ये तो और बहुत और ये तो बिल्कुल गंभीर चीज है कि अगर शराब पियोगे तो जो हालत है शराब का, और जिसके लिए तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, उसका जो भी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में दुनिया भर के बारे में जो बताया गया कि साहब शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितनी बीमारियां फैलती है, इसको भी हम लोग कम प्रचारित किए हैं 18 से ही, अभी इसको और ज्यादा प्रचारित करेंगे, शराब कितना बुरी चीज है, लोगों की बीमारी का कारण है, लोगों की मृत्यु का कारण है। तब इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, क्या समझ में आ रही है बात, भूल गए क्या जिस समय शराब को लागू किया गया था और कितनी मजबूती के साथ एकजुट होकर के सब लोगों ने संकल्प लिया था विधानसभा विधान परिषद में, और सारे अधिकारियों का भी कराया गया था। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में कोई बात है तो उनको समझना चाहिए कि भाई अच्छी बात नहीं है। और बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका शुरू से रही है, आप जान लीजिए कि आजादी की लड़ाई में भी कितनी बड़ी भूमिका रही है, बापू यहीं आए और यहां से ही जो शुरू हुआ है, तो उसके बाद सोच लीजिए। तो एक एक चीज के बारे में तो समझना नहीं चाहिए कि 1917 में ही ना आए थे और उसके बाद जो सब कुछ शुरू हुआ चंपारण में आकर के, और सारा चीज बापू आए और सब कुछ हुआ, और उसका तो कितना तेजी से देश में आंदोलन बढ़ा और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो बिहार का देखिए इन सब चीजों में मतलब है, और बिहार के लोगों के बारे में गलत फहमी पैदा की जाती है। बिहार के अधिकतम लोग बहुत अच्छे विचार के हैं इन सब चीजों के मामले में, चंद लोग तो गड़बड़ होगा ही, तो दुनिया में कोई कही नहीं सकता हर आदमी ठीक हो जाएगा, ये कभी संभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये दुनिया में देख लीजिए कहीं भी हर आदमी ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। लेकिन जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ा है पिछले 4 दिन में देखा जाए, पूर्णिया हो पेनीपट्टी हो, पूर्णिया में नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम बढ़ा है, क्राइम के फिगर कोई ऐसा क्राइम बढ़ने वाले नहीं है, कुछ घटना होती है उस पर एक्शन होता है। हम लोगों के यहाँ देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस मामले में सक्रिय है, और जहां कहीं भी कुछ हो रहा उस पर एक्शन हो रहा है। अब इंसिडेंट कुछ चीजों में अलग किस्म का हुआ है, एक जगह नक्सलियों का मामला आया है तो पूरे तौर पर जांच हो रही है, पूरा देख रहे हैं सब एक एक चीज को, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जनरल जिसको कह दीजिएगा कि आम तौर पर क्राइम, उसकी संख्या पहले की तुलना में घटी है, वो तो एक फिगर है, वो तो हर बार आता ही है, हर साल फिगर प्रकाशित भी होता है, इसलिए वैसा कुछ नहीं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल हर चीज खत्म हो गया, लेकिन एक बात हम और कहेंगे
जब से हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं, कि शराबबंदी लागू होने से भी क्राइम में कमी आई, रोड एक्सीडेंट, दारू पी के गाड़ी चलाता था कितना लोग होता था, अभी देख लीजिए फिगर देश भर का, रोड एक्सीडेंट का फिगर देख लीजिए ना, तो आपको पता चलेगा कि शराब पी करके गाड़ी चलाने के कारण जो एक्सीडेंट होता था, मारते थे मरते थे, तो आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कोई इंसिडेंट होता तो हर एक इंसिडेंट में पूरा कॉन्शसनेस है, और इस मामले में बिल्कुल पुलिस को इस बात का है कि भाई एक एक जो नियम है कानून है उसके मुताबिक तेजी से आप उस पर जांच करिए, और उपयुक्त जो आपके आपको जिम्मेवारी है उसके मुताबिक कार्रवाई करिए। मेरा एक अंतिम सवाल है, पद्मश्री मिला है अभिनेत्री कंगना रनौत को, उनका कहना है कि इससे पहले जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। अब उस सब का कोई मतलब है? हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है, ये कोई इम्पोर्टेंस है इस सब चीज का, कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा, वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए, ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई है? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, उसका कोई मतलब है? उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है, कोई कहेगा कि आजादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते, हम सच पूछिए हम नोटिस ही नहीं लेते। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेकर दिया, उन्होंने कहा है हिंदुइज्म ठीक है बट हिंदुत्व इज ऑल अबाउट हेटिंग, ये तो उन्हीं से पूछिए पूरा बताएंगे, इन सब चीजों पर क्या जरूरत है, चलिए इन लोगों का अपना अपना ढंग है सब लोग। अच्छा एक बात तो देख रहे हैं ना कि लोग कुछ बोल करके चर्चा में बना रहना चाहते, काम में रुचि नहीं। हम लोगों को तो भाई काम में रुचि, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हम उसी में लगे रहते हैं। और कुछ लोगों को, मैं कोई एक व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं कर रहे, ज्यादातर लोगों के मन में होता है कुछ बयानबाजी करते रहो, पब्लिसिटी मिलते रहे। और कुछ लोग तो उनके बारे में नहीं कह रहे, अब बिहार में देखिएगा तो कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलता है ताकि उसको पब्लिसिटी मिले, उसको मालूम है जब मेरे खिलाफ बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलेगी, तो ऐसा विचार होता है। लैंड करते हैं स्कूल, कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ आता है, तो सब लोगों का एक तौर तरीका है, उन सब पर ध्यान मत दीजिए। प्रोहिबिशन से रिलेटेड है सर, जैसे कि पुलिसिया तंत्र जो है अभी तक का जो सारा सिस्टम है सर, उसमें क्या है कि एक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक एक महीने डेढ़ महीने लग जा रहा है। तो मैं ये बोला जैसे कि दीपावली से लेकर अभी तक जितने डेथ हुए हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस कोई शराबबंदी से डेथ नहीं, मतलब लिकर से डेथ नहीं, बिकॉज पोस्टमार्टम अभी तक आया ही नहीं। मैं हम लोग तो कल पूछेंगे, इन सब चीजों पर चर्चा होगी, चिंता मत करिए, एक एक चीज पर कल चर्चा होने वाली है। ठीक, बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।